हेलो फ्रेंड, मैं हूं गोपाल। आप देख रहे हो ट्रेडिंग पब्लिक स्कूल चैनल। फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं जीरो टू मास्टर हीरो प्रोग्राम के बारे में। ठीक है, जीरो टू मास्टर हीरो प्रोग्राम में अभी हम लोग सबको ज्वाइन करवाने के लिए सोच रहे हैं। जैसा मैंने आप लोगों के साथ वादा किया था कि जीरो टू मास्टर हीरो प्रोग्राम में सबको ज्वाइनिंग मिलेगा, हर कोई ज्वाइन कर सकता है, बिल्कुल फ्री रहने वाला है। इसका फ्री में कैसे ज्वाइन करना है उसका प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, और मैं एक बार इसी वीडियो का बीच में भी आपको बता दूंगा कि किस टाइप से आप ज्वाइन कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। आपको एक रुपये भी देना नहीं है, ₹1 या $1 भी आपको पेमेंट नहीं करना है जीरो टू मास्टर हीरो प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, बिल्कुल फ्री रहेगा। ठीक है, तो ये गया ज्वाइनिंग प्रोसेस। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं, जैसे आप लोगों को पता है एक एक्सीडेंट के वजह से मैंने कुछ दिन के लिए बाहर था, ट्रेडिंग नहीं हो पा रहा था। और अब मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी मैंने बता दिया था जे 22 को मैं रिटर्न आऊँगा। 22 को हमारा दोबारा चालू होगा। ठीक है, 22 से हम लोग चालू करेंगे। ये आप देख सकते हो टेलीग्राम चैनल का ही ये है, मैंने पोस्ट दिया था टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी, सबको पता है ये पोस्ट देख सकते हो। एक एक्सीडेंट की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ था। तो 22 आज 22 है, सब आप जाके देख सकते हो आपका कैलेंडर पे। अब आज 22 चल रहा है, आज हम लोग रिटर्न आया हूँ और हम लोग ये स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो ये गया पूरा प्रोग्राम। अभी हम लोग जैसे बहुत सारा क्लाइंट का कमेंट मेरे को मिल रहा था टेलीग्राम पे, बहुत सारा क्लाइंट का व्हाट्सअप में और यूट्यूब कम्युनिटी में, जे सर आपने जो $11 से $600 बना चुके हो। ठीक है, ये तो हम लोगों को समझ में आ गया, लेकिन ये आपका लाख के ऊपर हो चुका है, दोबारा एक नया अकाउंट बना के हम लोगों को समझाओ तो हम लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो वैसे आज 22 है, 22 है और हम लोग एक नया अकाउंट चालू कर चुके हैं, और नया अकाउंट में हम लोग ट्रेडिंग चालू करने वाला है। नया अकाउंट भी एक बार ओपन कर लेता हूँ, ये कितना डॉलर से चालू किया हूँ वो भी आप लोगों को देखना जरूरी है, तो वो भी एक बार आराम से आपको समझ में आ जाएगा। मैंने 2 ट्रेड इसमें अकाउंट में लिया हूँ अभी तक। ठीक है, BTC का लिया हूँ। देखिए आज ही स्टार्टिंग हुआ है, $12 से स्टार्टिंग किया हूँ, $12 से स्टार्टिंग किया हूँ और $1 का प्रॉफिट हमारा हो चुका है। तो ये अकाउंट हमारा कंटिन्यू रहने वाला है, इसी अकाउंट के ऊपर हमारा जीरो टू मास्टर हीरो का जो प्रोग्राम रहेगा ये कंटिन्यू होगा। तो ये कंडीशन है, और इसमें बहुत सारा चीज़ों के बारे में हम लोग फाइंड आउट करेंगे। जैसे मैंने यह सबको राय मंगा था किस किन लोगों ने कितना परसेंट हमारा अकाउंट चेंज करवाना चाहते हो, मतलब आप लोगों को डाउटफुल है जे अकाउंट चेंज करके दोबारा से रीस्टार्टिंग किया जाए, किसको लगता है ये सेम अकाउंट में कंटिन्यू होना ही बेटर रहेगा। तो उसके लिए मैंने एक वोट के लिए एक पोल डाला था, तो उसमें मैंने जितना भी देखा हूँ जे अकाउंट चेंज के बारे में सबसे ज़्यादा हमारा ये मेम्बर दिखाई दे रहे हैं, जो लोग चाहते हैं जे अकाउंट एक बार चेंज होना चाहिए, नया अकाउंट चालू होना चाहिए और उसमें ट्रेडिंग होना चाहिए, $10-12 से हो तो $15 से हो इस अकाउंट पे ट्रेडिंग होना चाहिए। तो ये हो गया पूरा प्रोग्राम। तो उसी के जैसे सब हर कोई मेंबर चाह रहा है, 64% मेंबर चाह रहा है भाई अगर नया अकाउंट चालू होना चाहिए, तो नया अकाउंट आज से चालू किया हूँ मैं, और उस अकाउंट में अभी तक $10 से $1,000 कंप्लीट हो चुका है, और नया अकाउंट में अभी $12 से स्टार्टिंग कर रहा हूँ, ये अकाउंट कंटिन्यू रहने वाला है। और पूरा डिटेल्स मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, और इसमें ज्वाइनिंग प्रोसेस भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। और उसके साथ साथ सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा, जो लोग पहले स्टार्टिंग वाला वीडियो जो लोग नहीं देखे हो तो वो जरूर हमारा ट्रेडिंग पब्लिक स्कूल बोल के जो हमारा यूट्यूब का चैनल है, YouTube चैनल में जाके आप आराम से देख सकते हो। 1, 2, 3, 4 वीडियो अभी तक डाल चुका है। $10 से स्टार्टिंग हुआ था, स्टार्टिंग से आप देख सकते हो $10 से पूरे एक हफ्ते में कितना कमा सकते हो, 15 डेज में कितना कमा सकते हो, पूरा डिटेल्स मैंने ऑलरेडी इसमें दे चुका हूँ।
एवरी वीक, वीकली हिसाब में, वीकली में कितना कमा सकते हो, एवरी 15 डेज में कितना कमा सकते हो, आप $10 डिपॉजिट करके, उसके डिटेल्स में भी मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर चुका हूँ, 7 डेज का भी प्रोवाइड कर चुका हूँ और स्टार्टिंग का भी प्रोवाइड कर चुका हूँ, तीनों टाइप का प्रोवाइड कर चुका हूँ। महीना खत्म हो गया है, महीने में महीने का $1000 हो चुका है अभी भी। और उसके बाद क्लाइंट का जो रिक्वेस्ट था जो आपको अकाउंट एक बार नया करके तरीके से चेंज करना चाहिए, ये पॉसिबल नहीं होता है, $10 से $1000 बनाना नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता है, तो हम लोगों को भी देखना, और एक बार हम लोग आपके साथ ज्वाइन होना चाहते हैं, तो एक ही साथ पूरा काम करना चाहते हैं, जे हम लोग नया अकाउंट में काम करेंगे, आपका भी नया अकाउंट होगा, हमारा भी नया अकाउंट होगा, नया अकाउंट में हम लोग काम करना चाह रहे हैं, तो उसी के हिसाब में मैंने नया अकाउंट चेंज भी कर दिया हूँ। और ये ओल्ड वाला वीडियो भी आप जाके टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पे भी देख पाएंगे और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आपको मिल जाएगा, तो दोनों तरफ से आपको मिल जाएगा। अभी हमारा जो स्ट्रेटेजी रहने वाला है, जो लोग ज्वाइन करने वाले हैं, जो लोग ज्वाइन करेगा, उसमें हम लोग जीरो टू मास्टर हीरो स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करेंगे, क्या रूल फॉलो करेंगे, उसके बारे में छोटा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पर, जो सबके लिए आसान होगा, सबके लिए इजी होगा। क्योंकि देखो, हमारा कोई भी ट्रेडिंग के ऊपर ट्रेडिंग करना है, कोई भी इंटरडे करो, डे ट्रेडिंग करो, या आप स्विंग ट्रेडिंग करो, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करो, आपको रिस्क मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए, तो ही आप ट्रेडिंग कर सकते हो। इसके अलावा आप 0% ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, हमेशा लॉस करेंगे और घर पे जाके बैठ जाएंगे। सिंपल, कुछ दिनों के बाद आप ही खुद बताएंगे, सर ये गैम्बलिंग चल रहा है, स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, फॉरेक्स मार्केट गैम्बलिंग है, क्रिप्टो मार्केट गैम्बलिंग है, जो नया बंदे लोग बोलते हैं हमेशा, वैसा ही आप भी बोलना चालू कर देंगे। तो हम लोगों को उसके लिए सबसे पहले एक रिस्क मैनेजमेंट का चार्ट बनाना चाहिए, जिसमें रिस्क मैनेजमेंट को आपको फॉलो करना चाहिए। और ये मैंने एक चार्ट आपको रिस्क मैनेजमेंट के लिए एक चार्ट मैंने बना के रखा हूँ, जिसको आपको फॉलो करना है, ये जब तक ये ट्रेडिंग कंटिन्यू रहेगा, जब तक आप ये जीरो टू मास्टर हीरो के अंदर प्रोग्राम में ट्रेडिंग करता रहेंगे, तब तक आपको ये रूल को फॉलो करना है। किस टाइप का रूल को आपको फॉलो करना है, ये मैं एक बार पूरा रिस्क मैनेजमेंट समझा देता हूँ, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे सपोज मैंने एक नंबर पे मैंने $100 डिपॉजिट किया, $100 मेरे अकाउंट में, $100 है, $100 में हम लोग को नॉर्मल सा लॉट रखना है। यहाँ पर गलती क्या कर सकते, कोई कोई इंसान कर देता है क्या, मैं यहाँ पर 5 लॉट रख देता हूँ, कोई 0.01 का, 0.5 का लॉट लेके चलता है, कोई 0.1 का लॉट लेके चलता है, या 0.6 का भी लॉट लेके कोई कोई बंदा ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में हम लोग देखे तो ट्रेडिंग में, क्योंकि हम लोग कोई भी फॉरेक्स या ब्रोकर के अंडर में ट्रेडिंग जब करते हैं, तो हमारे पास बहुत हाई लिवरेज होता है, 1000 का भी होता है, 500 का भी होता है, 2000 का भी होता है, तो हम लोग ये चीज़ को नोटिस नहीं करते हैं, जो हम लोग एक तो भाई हम लोग लिवरेज के ऊपर काम कर रहे हैं, ऊपर से हम लोग बहुत ज़्यादा हमारा ट्रेडिंग क्वांटिटी भी, जो हमारा लॉट क्वांटिटी है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है, बहुत ज़्यादा लॉट के ऊपर, हाई रिस्क के ऊपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मेरे पास जितना कैपिटल है उससे कोई गुना ज़्यादा कैपिटल का हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपका अकाउंट कंटिन्यू जीरो होने का चांसेस आपको 100% हो जाते हैं। आपको ये बात का भी आपको समझ में रखना चाहिए, आपको दिमाग में रखना चाहिए, क्या दिमाग में रखना चाहिए, जो आप लोग कोई भी फॉरेक्स ब्रोकर के अंडर में ट्रेडिंग जब कर रहे हो, वो आपको लिवरेज प्रोवाइड कर रहे हैं। लिवरेज क्या प्रोवाइड क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, 100 गुना, 10x गुना या 1000x भी आप लिवरेज कोई कोई टाइम ले लेते हो, तो यहाँ पर लिवरेज बहुत हाई रहते हैं हमारे पास, 1000 भी रहता है, 500 भी रहते हैं, 2000 भी रहते हैं, जो कोई भी लिवरेज के ऊपर काम कर सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारा लिवरेज से कुछ मतलब नहीं है, लिवरेज को हम लोग को बाईपास कर देते हैं, हम लोग को सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर जो ध्यान रखना है, जो हमारा ट्रेडिंग क्वांटिटी कितना होना चाहिए, कितना कैपिटल के ऊपर कितना क्वांटिटी हमारे पास सूटेबल है, कितना क्वांटिटी होने में हमारा बेटर, हमारा जो अकाउंट है वो कभी भी वॉश आउट होने का चांसेस नहीं है, हमारा अकाउंट जीरो नहीं होगा, हमारा फास्टेस्ट मतलब हमारा टेंशन फील नहीं होगा, और हम लोग कंटिन्यू एक प्रॉफिट अर्निंग करते रहेंगे, ये हमारा मोटिव है। जीरो टू मास्टर हीरो प्रोग्राम जो है, जीरो टू मास्टर हीरो प्रोग्राम में यही हमारा मोटिव है, जे एक बंदा छोटा कैपिटल लगा के भी धीरे 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 एक ग्रोथ कंटिन्यू करते रहे, जो उसमें उसको प्रैक्टिस भी होता रहेगा और ट्रेडिंग भी अच्छी तरीके से कर पाएंगे, और आपको समझ में आएगा जो किस किस टाइप से आपको ट्रेडिंग हो रहा है,
कहाँ पर पोजीशन लग रहा है, किस वजह से पोजीशन लग रहा है, इसका भी डिटेल्स हम लोग पर्टिकुलरली हमारा जो ज्वाइनिंग होगा, ज्वाइनिंग वाला जो चैनल होगा उस चैनल पे हम लोग हमेशा फॉलो करते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे, जो आपको एक अच्छे से नॉलेज पता चल जाएगा कि कितना टारगेट रखना है, कितना स्टॉप लॉस लेना है, उसी के हिसाब में काम करना है। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं $100 के ऊपर हमारा हमारा जो ये रहने लॉट साइज रहने वाला है 0.01 लॉट से ज़्यादा हम लोग कोई भी लॉट के ऊपर काम नहीं करेंगे, चाहे वन ट्रेडिंग क्वांटिटी में डालूँ, ये नेक्स्ट टाइम दूसरा और एक बार एवरेज करने के लिए दोबारा मैं ट्रेड लूँ, या तीसरे बार एवरेज करने के लिए मैं ट्रेड लूँ, लेकिन हमारा जो लॉट साइज होगा 0.01 ही होगा $100 के हिसाब में। वैसे हमारा $500 के में कितना होना चाहिए, $500 में हमारा 0.03 मैक्सिमम होना चाहिए, 0.02 भी रख सकते हो, 0.03 आप मैक्सिमम रखेंगे, ठीक है। $1000 में हमारा कितना होना चाहिए, 0.05 होना चाहिए, ये हमारा लॉट साइज होना चाहिए। आप बोलेंगे सर $1000 में 0.05 क्यों रखेंगे, हम लोग तो 0.05 भी रख सकते, 0.5 भी रख सकते, 0.6 भी रख सकते, लेकिन मैं एक ही बात बोलूँगा, ऐसा गलती दोबारा मत कीजिएगा। आपको लगता है भाई आपका अकाउंट को जीरो करना चाहिए तो आप 100% रख सकते हो, उसमें मैं कुछ बताने वाला नहीं हूँ, वो आपका मर्जी है, आप कितना रखना चाहते हो, आपका अकाउंट को जीरो करना चाहते हो या ग्रोथ करना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी आप लिवरेज ले रहे हो एक ही चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग लिवरेज लेकर ट्रेडिंग कर रहा हूँ तब हमारा अकाउंट क्या होता है, ऑलरेडी 100% रिक्स में चला जाता है, क्योंकि हम लोग रिवर्स डबल डबल ट्रिपल का मतलब इस टाइप से हम लोग लिवरेज ले लेते हैं, हम लोग को समझ में नहीं आता भाई कितना लिवरेज ले रहे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कहानी, तो हम लोग किसी के हिसाब में ये चार्ट को एक बार किनशॉट ले लीजिएगा, चार्ट को किनशॉट लेके आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा 1500 पे 8 2000 पे 0.10, हाँ देखो यहाँ पर मैंने दिया हूँ $2000 के ऊपर, यहाँ पर बोलेंगे 0.20 का 0.30 का भी मैं रख सकता हूँ सर, ऐसा एक सेम क्वेश्चन आएगा तो मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूँ इसके ऊपर। तो आपको जिस तरीके से मैंने दिया हूँ इसी तरीके से रूल को आपको फॉलो करना है, इससे ज़्यादा लॉट साइज नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए, इसी के हिसाब में आपको ट्रेडिंग करना है, ओके। अभी हमारा हो जाता है भाई टारगेट, टारगेट कितना लेके चलूँ, हमारा तो ये हो चुका है लॉट साइज, हम लोग समझ चुके हैं सर हम लोग लॉट साइज इतना होना चाहिए, तो हम लोग लॉट साइज समझ चुके हैं, अभी टारगेट क्या लेके चलूँ, हम लोगों को टारगेट एक ही, सपोज आपको एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, आपको जब 0.01 0.01 का लॉट साइज है उसमें मैक्सिमम टारगेट $2 से $3 के बीच में होना चाहिए, $2 के से $3 के बीच में होना चाहिए, ये आपका कैलकुलेशन रहेगा, ये कंटिन्यू कैलकुलेशन क्या रहेगा आपका, हमेशा इसी कैलकुलेशन के ऊपर आपको काम करना है। 0.01 लॉट में लॉट के ऊपर हम लोग कितना हमारा टारगेट होना चाहिए, $2 से मैक्सिमम $3 उसके बीच में होना चाहिए, ना कि उसका कम होना चाहिए ना कि उससे ज़्यादा होना चाहिए, कम में कोई कोई टाइम काट सकते हो, जब मार्केट पोजीशन अपोजिट साइड जा सकता है आपको समझ में आ रहा है तो आप उसी टाइम उसको स्क्वायर अप कर सकते हो कम पे, लेकिन ज़्यादा लेने का सोचने का हम लोगों को जरूरत नहीं है, हम लोगों को एक लिमिटेड टारगेट लेके चलना है हमेशा, जो आपका अकाउंट को कंटिन्यू सेफ रखने वाला है, जो आपको अकाउंट को कंटिन्यू सेफ रखने वाला है। कोई कोई टाइम ऐसा भी पोजिशन आपको मिल जाएगा जो आपको $2 का पोजिशन लेके चल रहे हो, प्रॉफिट लेके चल रहे हो, वो कोई कोई टाइम आपको $10 भी प्रॉफिट प्रोवाइड कर देते हैं मार्केट में, तो वो तो दूर की बात है, उसके वो तो कोई कोई टाइम होता है, उसके बारे में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। तो हम लोग जो हमारा जो ट्रेडिंग क्वांटिटी के ऊपर लॉट साइज के ऊपर हमारा जो प्रॉफिट रहने वाला है 2 से 3 डॉलर का रहने वाला है, जो मैक्सिमम जो है मैक्सिमम वाला मैंने यहाँ पर रखा हूँ, तो इसी के हिसाब में आपको कैलकुलेट करना है, इसी के हिसाब में कैलकुलेट करके आपको टारगेट लेना है। अभी बात करूँ तो स्टॉप लॉस का, स्टॉप लॉस का बात करूँ तो देखो स्टॉप लॉस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं हमारे यहाँ पर, जो स्टॉप लॉस हम लोग का मार्केट में रखे या नहीं रखे, हम लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं रखा हूँ, स्टॉप लॉस के ऊपर हम लोग स्टॉप लॉस नहीं रख रहा हूँ, लेकिन स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है किस टाइप से, यहाँ पर मैंने चार्ट के ऊपर मैंने यह दिखाया नहीं हूँ कितना स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए, लेकिन आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो आपका प्रॉफिट अमाउंट है प्रॉफिट अमाउंट के ऑपोजिट सेम टू सेम आपका स्टॉप लॉस भी होना चाहिए।
कितना होना चाहिए, इससे थोड़ा ज्यादा होना चाहिए या थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। स्टॉप लॉस एक मेंटेन आपको करना है, एक नॉर्मल स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, बहुत लंबा चौड़ा स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं करना है। और पूरा डिटेल्स कहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है, क्या करना है, स्टॉप लॉस रखना है क्या नहीं रखना है, उसका डिटेल्स आपको जो आपको जो जिस जीरो टू मास्टर जीरो प्रोग्राम वाला प्रोग्राम में जब ज्वाइन करेंगे तो पूरा अच्छी तरीके से स्टॉप लॉस के बारे में डिटेल्स में मैं आपको एक बार समझाऊंगा उसी चैनल पे आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो बिलो मैंने एक नोट भी आप लोगों के लिए समझा के रखा हूँ, जो इच 100 डॉलर 1000 डॉलर पे आपको 0.05 का लॉट के हिसाब में कंटिन्यू करना है। जैसे 1000 डॉलर तो 2000 डॉलर बन जाता है, तो आपका लॉट साइज हमेशा फॉलो करना है 0.10 हो जाना चाहिए। 2000 डॉलर के ऊपर आपको इतना लॉट साइज होना है, 0.10 का लॉट साइज होना है। नो मोर ट्रेडिंग, हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, हम लोगों को जब जीरो टू मास्टर जीरो प्रोग्राम के ऊपर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तब हम लोगों को ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। दिन में आपको 2 ट्रेड मिले 3 ट्रेड मिले उसी के ऊपर ही ट्रेड करना है। जो ट्रेड आपको लगता है आप बिजी हो और मैंने आपको सिग्नल भेज दिया हूँ भाई इस जगह पे ट्रेडिंग लो, आपको लगता है मैं बिजी हूँ थोड़ा, अभी थोड़ा सा मैं बिजी रहने वाला हूँ, या आपको अभी पोजिशन नहीं मिलने का टाइम मिल रहा है, तो उस पोजीशन को थोड़ा टाइम लेट हो चुका है, तो उस पोजीशन को हमेशा अवॉइड करके चलिएगा। आपको उस पोजीशन के ऊपर कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। आप जब फ्री रहेंगे आपको उसी टाइम आपको सिग्नल मिल रहा है तो उसी ट्रेड के ऊपर आपको ट्रेड लेना है, उसी ट्रेड को कंटिन्यू फॉलो करना है, ठीक है। ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग आपको नहीं करना है। और हम लोग खुद से जब ट्रेडिंग करेंगे तो हम लोग को टाइम फ्रेम मेंटेन करना है, 1 आवर 2 आवर और डे का टाइम फ्रेम को मेंटेन करना है। हम लोग बेसिकली 5 मिनट 15 मिनट में बहुत ज़्यादा हैबिट, मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा पहचान चुका हूँ 5 मिनट 15 मिनट, इसके ऊपर ज़्यादा तक काम करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सिचुएशन अलग है, जीरो टू मास्टर हीरो प्रोग्राम में हम लोग सिर्फ 1 आवर 2 आवर्स और 1 डे का टाइम फ्रेम के ऊपर ही ट्रेड लेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये गया पूरा डिटेल्स, इसी तरीके से हम लोगों को ट्रेडिंग करना है जीरो टू मास्टर हीरो प्रोग्राम में, ये पूरा डिटेल्स रहने वाला है। इसी हिसाब में हम लोगों को रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है, और ये रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ जीरो टू मास्टर हीरो प्रोग्राम नहीं, आप कोई पर भी ट्रेडिंग करो, किस टाइप का भी ट्रेडिंग करो, आपको ये रूल को फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेटर एक बेनिफिट मिलने वाला है, बहुत ही बेटर एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है, और आगे जाके आपका अकाउंट साइज भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो सकता है। तो ये गया पूरा डिटेल्स। तो अभी हम लोग बात करते हैं हमारा, इसको मैं क्लोज कर देता हूं। अभी हम लोग बात करेंगे जो किस टाइप से आप ज्वाइन हो सकते हो, ज्वाइनिंग के लिए बारे में मैंने एक प्रोसेस मैंने यहाँ पर मैंने आपको बता दिया हूं। तो ये ज्वाइनिंग प्रोसेस रहने वाला है, किस टाइप से ज्वाइनिंग प्रोसेस रहने वाला है, फ्री ज्वाइनिंग प्रोसेस 100% फ्री रहने वाला है। आपको 1 डॉलर 1 रुपीज भी आपको कॉस्ट नहीं देना है, नो पे कुछ भी पेमेंट नहीं करना है इस प्रोग्राम के लिए, इस प्रोग्राम के लिए 1 डॉलर भी पेमेंट नहीं करना है। कोई भी आपसे बोलते हैं भाई मुझे 10 डॉलर 20 डॉलर पेमेंट कीजिए जियो टू मास्टर हीरो प्रोग्राम में ज्वाइन करवाऊंगा, तो ऐसा गलती मत कीजिएगा, वो लोग हमेशा स्कैमर ही होगा। स्कैमर लोग आपको कैपिटल मांगते हैं आपको ये जीरो टू मास्टर हीरो प्रोग्राम में ज्वाइन करवाने के लिए, तो उसको 1 डॉलर भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इसी प्रोसेस को प्रोसेस क्या फॉलो करना है, हमारा अकाउंट लिंक इसी टेलीग्राम चैनल पे और भी इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी पूरा डिटेल्स के साथ दिया रहेगा। तो आपको अकाउंट ओपनिंग करना है, अकाउंट ओपनिंग हो जाने के बाद उसमें 100 डॉलर का डिपॉजिट करना है, कोई भी एक नया अकाउंट पे, चाहे MT4 में करो या MT5 में करो, किसी अकाउंट पे कर सकते हो, उसमें 100 डॉलर डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट के बाद मुझे क्या शेयर करना है, आपका अकाउंट नंबर, नेम, मेल आईडी, ठीक है। फॉर वेरिफिकेशन के लिए आपको कहाँ पर भेजना है, व्हाट्सएप में और टेलीग्राम पे, दोनों में से कोई पर भी आप भेज सकते हो। टेलीग्राम में और व्हाट्सएप का लिंक भी दिया रहेगा बिलो डिस्क्रिप्शन पे, या इसी टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगा। और आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट के जीरो टू हीरो प्रोग्राम में आप फ्री में ज्वाइन हो सकते हो। हाँ, और आपके पास किसी के पास ऑलरेडी किसी के पास अकाउंट है, किसी के पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आप क्या कर सकते हो, जिसके पास ऑलरेडी अकाउंट है सो उसको हमारे साथ मैप करवाना पड़ेगा।
आपका अकाउंट को हमारा अकाउंट के साथ मैप करवाना पड़ेगा। मैप के लिए आपको क्या जरूरत है, आपका अकाउंट ओपनिंग लिंक का जरूरत है, और अकाउंट ओपनिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसी टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगा। उसी लिंक के थ्रू आप अकाउंट को आराम से मैप करवा सकते हो। मैप करवाने के लिए क्या जरूरत है, आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा आपका ब्रोकर के साथ। अब ब्रोकर के साथ चैट में किसी के पास मोबाइल नंबर होगा तो मोबाइल नंबर पे कोई मेल आईडी के थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हो ब्रोकर के साथ। ब्रोकर के साथ जो कांटेक्ट करके आप आराम से आपका अकाउंट को मैप करवा सकते हो। मैप आराम से करवाने के बाद मुझे ये डिटेल्स आप सेंड कर सकते हो, अकाउंट नंबर, नेम, मेल आईडी और वेरिफिकेशन। ये मुझे सेंड करने के बाद मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा ये 0 to Master 0 प्रोग्राम का, तो उसमें ज्वाइन होके आप आराम से इसका बेनिफिट ले सकते हो। कोई इशू आपको आने वाला नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, दोस्तों लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।